हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर अनिल कुमार जी ने हमसे पूछा था कि रिगर वर्क कैसा होता है। तो आज हम आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि रिगर वर्क कैसा होता है। तो चलिए जानते हैं रिगर वर्क होता क्या है। तो आइए देखते हैं रिगर का डेफिनेशन क्या है। अ रिगर इज एन एक्सपर्ट इन टाइंग अप, बैलेंसिंग, मैनिपुलेटिंग एंड मूविंग हेवी लोड्स। इसका मतलब एक रिगर बांधने, जोर तोर करने और भारी बोझ को हिलाने में विशेषज्ञ होता है। तो आइए देखते हैं रिगर कैसे वर्क करता है। इस पिक्चर में देखिए, ये रिगर है और ये सामान। इस सामान को स्लिंग के जरिए ये हुक में लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे वर्क किया जाता है रिगर का यहाँ पे। तो चेक द स्लिंग्स एंड एंश्योर दैट द रिगिंग एंगल इज करेक्ट। तो ये जो रिगर है, ये चेन पकड़े हुए है, इसको स्लिंग कहते हैं। इस स्लिंग को हुक में लगाते हैं और जो सामान का एंगल है, मतलब सामान पैरेलल है कि नहीं, दोनों जो स्लिंग है वो सही एंगल में है कि नहीं। अगर ये एंगल सही नहीं होगा तो क्या होगा कि क्रेन अगर आगे लेके जाएगा सामान को, तो ये टूट भी सकता है या एक एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए रिगर का काम है कि स्लिंग को देखना और रिगिंग का जो एंगल है वो सही है कि नहीं। उसके बाद वो जो है सियोरिटी देते हैं, मतलब मेक सियोर द लोड इज प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड इन्फॉर्म द क्रेन ऑपरेटर ऑफ द वेट ऑफ द लोड। मतलब रिगर जो है वो सियोरिटी देता है क्रेन ऑपरेटर को कि सही से लगा है कि नहीं और एंगल भी सही है कि नहीं। जब सिक्योर्ड हो जाते हैं रिगर, तो क्रेन ऑपरेटर को जब ये इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ सारे कुछ सही है, तो फिर क्रेन ऑपरेटर उस सामान को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इस पिक्चर में देखिए, जो रिगर है वो साइकिल को चेक कर रहा है, साइकिल सही कंडीशन में है या नहीं। उसके साइकिल के ऊपर में देखिए एक ये है, ये जो रस्सी टाइप का दिख रहा है, इसको भी हम लोग एक तरह से स्लिंग्स कहते हैं, इस रस्सी टाइप का। और उसके नीचे में जो बॉक्स है, इसके अंदर में एक गियर होता है। तो रिगर चेक करता है कि ये सही कंडीशन में है या नहीं। तो इधर देखिए, यहां देखिए, मेक श्योर द लिफ्टिंग गियर्स सच एज स्लिंग्स एंड सैकल्स आर वेल मेंटेन्ड एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन। अब आ जाइए बगल वाला चित्र में। यहां पे लिखा हुआ है मेक श्योर द लोड इज स्टेबल, सिक्योर्ड एंड बैलेंस्ड बिफोर एनी लिफ्टिंग ऑपरेशन। मतलब जो लिफ्ट कर रहा है सामान को, उस ऑपरेशन से पहले रिगर को सियोरिटी करना पड़ता है जो लोड है वो स्टेबल है कि नहीं, सिक्योर्ड है कि नहीं, और जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं। यही होता है रिगर का काम। तो मैं आशा करता हूं कि रिगर का वर्क आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।